अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ भी खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर्स को टाइम पे सबमिट कराते होंगे। एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास यू आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5। एंड चैप्टर नंबर 5 किस चीज़ से रिलेटेड है? इट्स ऑल अबाउट अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इक्वल साइंस, है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, क्वेश्चन से निकाल के एक्सरसाइज में पुट करना और फिर उसका सोल्यूशन करना। आई एम श्योर कि जो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। And let's start very new question today, which is on page number 102. All right, so find the values of the variable of following equations and color the picture according to the given keys. अब ये एक बहुत अमेजिंग सी एक्सरसाइज है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि what you actually have to do here. All right. सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इतनी सारी इक्वेशंस दी हुई हैं। यस, ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं। ए प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45, एन प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40, डी माइनस 30 इज इक्वल्स टू 15, 50 प्लस एच इज इक्वल्स टू 55, b minus 5 is equals to 20, x plus 12 is equals to 22, 20 plus f is equals to 60, 10 plus g is equals to 10, h minus 16 is equals to 4, k minus 45 is equals to 5, b plus 2 is equals to 22, 6 is equals to 6, plus w is equals to 11, u minus 5 is equals to 20. कितनी सारी इक्वेशंस हैं, आपको सब सॉल्व भी करनी होंगी। s plus 5 is equals to 60 and c plus 10 is equals to 35, t minus 4 is equals to 1. सो ये इतनी सारी इक्वेशंस हैं और आपने ये सब कुछ सॉल्व करनी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या करना होगा यहाँ। जैसे कि आप सवाल में ऊपर रीड कर सकते हैं कि पहले तो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने यहाँ जो दिए हुए हैं कलर्स, इस पूरे बॉक्स में आपने फाइंड करनी है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू कौन से कलर के सामने लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 45। सॉल्व पहले करें इस सवाल को, किस तरह सॉल्व करेंगे? a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45। आपको याद है जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 करना शुरू किया था, रूल ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ा था। लेट मी सी विच इज़ ऑन पेज नंबर 99 पे, बिल्कुल पेज के आखिर में दिया हुआ है। अपनी बुक्स निकालिए जल्दी से और देखिए रूल ऑफ ऑपरेटर का रिवर्स रूल, ठीक है। आपको आपकी नोटबुक्स में भी करने के लिए दिया था कि अगर एक तरफ प्लस है इस इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, सो आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि आपने ऑपरेटर का रिवर्स रूल स्टडी किया था, अपनी नोटबुक्स निकाली है, वहाँ भी लिखवाए गए थे कि एक तरफ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड इफ इट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपने यहाँ भी बेसिकली यही करना है इस पूरी इक्वेशंस में, ठीक है। अब जब आप पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45, आपने देखना है कि यहाँ पे तो प्लस है, इक्वल्स के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ऑपरेटर का रिवर्स रूल लगेगा यहाँ। आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए वेरिएबल को अलग करना ज़रूरी है। जितने भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर्स हैं, इक्वल्स के उधर भेजना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 10 था, इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो गया, 45 माइनस
10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ढूंढिए ज़रा इस चार्ट में जो टेबल बना हुआ है, यहाँ पे 35 किधर लिखा है? 35 लिखा है लाइट ब्लू कलर के साथ। आपने क्या करना है, इस वाले सेक्शन में ब्लू कलर कर देना है। इसी तरीके से आपने बी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 20 का आंसर निकालना है। यहाँ पे माइनस फाइव है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, कौन ना वेरिएबल अकेला रह जाएगा। 20 में से 5 प्लस करेंगे, 25 आंसर आ जाएगा। टेबल में ढूंढिए 25 कहाँ लिखा है, 25 डार्क ब्लू, यहाँ पे डार्क ब्लू कर देंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज है, घर पे सॉल्व करें, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर्स को होमवर्क स्क्रीनशॉट लेके नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ सबमिट करवाइएगा, कलरिंग भी, और जो सोल्यूशन अपनी नोटबुक में करेंगे आप। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।